हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अगर आप ये वीडियो 31 दिसंबर 2020 से पहले देख रहे हैं तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी अमाउंट जो कि आप अपने डोमेन के लिए इन्वेस्ट करने वाले थे वो आप सेव कर सकते हैं। कोई भी अगर आप एक टॉप लेवल डोमेन खरीदते हैं लाइक .com, .in एट्सेट्रा, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट $10 के समथिंग में पे करना पड़ता है। बट आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि टॉप लेवल डोमेन बिल्कुल फ्री में दे रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस डोमेन को लेना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर चले जाना है। यहाँ पर इस पेज के ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर आपके बिजनेस के कैटेगरी के बारे में ये पूछेगा, जहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक चलिए मैं यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। लाइक चलिए मैं इसे डीजी सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, डीजी सा नाउ। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बिजनेस नेम और अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर चेकआउट वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। अब यहाँ चेकआउट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। चलिए यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स डालने होंगे। चलिए हम अपना यहाँ पर डिटेल्स डाल देते हैं। यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स डालने के बाद अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको इन दोनों के दोनों बॉक्सेस पर टिक कर देना है। देन आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये अब आपसे पे करने के लिए पेमेंट मेथड के बारे में पूछेगा। आप किस तरह से पे करना चाहते हैं? आप अगर चाहें तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा। अदरवाइज़ मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर पेपल के थ्रू जाएं, क्योंकि पेपल पर अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड शेयर भी नहीं करना पड़ता याहू के साथ। आप जब चाहे तब अपने पेपल अकाउंट से इसे कैंसिल कर सकते। तो पेपल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए आप नॉर्मली यूट्यूब पर जाकर के बस सर्च करिएगा हाउ टू क्रिएट अ पेपल अकाउंट। आपको इसके बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पर पेपल के साथ इसे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको चेकबॉक्स पे अगेन टिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट पेमेंट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये आपको पेपैल के अकाउंट में रीडायरेक्ट कर देगा। पेपैल पे आपको लॉगिन हो लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले से ही लॉगिन कर रखा हूँ। अब हम यहाँ पर पेपैल के अकाउंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको अपना कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस कार्ड को आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है पे करने के लिए। ध्यान रहे कि yahoo.com सिर्फ और सिर्फ वीज़ा, मास्टर कार्ड और भी जितने इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं बस इन्हें ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर आप रुपे कार्ड मत ऐड करिए, क्योंकि रुपे कार्ड ऐड करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो चलिए हम अपने वीज़ा कार्ड के साथ यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर मैसेज आ चुका है, ऑसम योर ऑर्डर इज़ नाउ कम्प्लीट। सो अब हमें यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। नाउ देखिए यहाँ पर ये हमें कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पर ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ईमेल में यहाँ पर याहू स्मॉल बिजनेस के तरफ से दो ईमेल आ चुका है। देखिए यहाँ पर पहला ईमेल हमारा है एक्टिवेट योर याहू स्मॉल बिजनेस अकाउंट, यहाँ कॉन्ग्रेट्स योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म। तो हमें यह एक्टिवेट वाले पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट माई अकाउंट, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। नाउ ये हमें याहू स्मॉल बिजनेस के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ बस हमें अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। चलिए हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा फिल कर लेना है। ये देखिए नाउ आई एम नॉट अ रोबोट, इसके टिक हो जाने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए अब हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बस कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन डालने हैं। लाइक चलिए हम यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। इसे फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा। योर डैशबोर्ड इज़ रेडी, नाउ आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपको अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये आपको बेसिक से एक ट्यूटोरियल दिखाएंगे कि कहाँ पर आपका क्या क्या है। चलिए हटाइए, हमें ये ट्यूटोरियल अभी नहीं देखना है। अब हम यहाँ पर नॉर्मली क्लेम एंड वेरीफाई योर डोमेन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही dgsa.com इज़ अवेलेबल। चलिए अब हम इसमें यहाँ पर गेट इट नाउ पर क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर dgsa.net.org.us.link जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डोमेन पसंद नहीं है तो आप नॉर्मली यहाँ पर सर्च मोड पर क्लिक करके यहाँ पर फाइंड योर डोमेन से अपना कोई भी एक मनपसंद डोमेन चूज़ कर सकते हैं।
नाउ चलिए हम यहाँ पर dhisa.com को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। गेट इट नाउ, रजिस्टर योर डोमेन। यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए आपको बेसिक सा ये डिटेल फिल करना होगा। चलिए हम इसे फिल कर देते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दैट्स इट, यू हैव dhisa.com। अब आपका ये जो डोमेन है ये रजिस्टर हो चुका है। नाउ बैक टू डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये जो डोमेन है ये सेटअप होने में थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। कुछ देर के अंदर ही, लगभग 5 मिनट के अंदर ही ये आपका जो डोमेन है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपके यूज़ के लिए। इसे क्लेम कर लेने के बाद अब आपको अपने जीमेल पे जाना है। ये जीमेल पे सबसे लेटेस्ट जो आपको यहाँ पर मिला है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्लीज़ वेरीफाई योर डोमेन नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको देखिए एक वेरीफिकेशन लिंक दिया हुआ है, बस इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इन ऑर्डर टू इंश्योर योर डोमेन नेम रिमेन एक्टिव यू मस्ट नाउ क्लिक द फॉलोइंग लिंक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, इसे आप वेरीफाई कैसे करना। ओके, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे, इस लिंक पर। देखिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं, प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, द डोमेन नेम बिलो विल बी सस्पेंडेड इफ दिस वेरीफिकेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड। ओके, सो अब आपको यहाँ पर इन सारे के सारे अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सबको चेक करके यहाँ पर वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आ गया है याहू स्मॉल बिजनेस की तरफ से, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड, थैंक यू द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट डेटा हैज़ बिन वेरीफाइड। नॉर्मली अब आप यहाँ पर अपने याहू स्मॉल बिजनेस के डैशबोर्ड पर आ जाइए। यहाँ पर चाहे तो आप इस वाले पर अगेन क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपना डोमेन के डैशबोर्ड पर चले जाएँ, या तो फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करिए। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको वेबसाइट, डोमेन्स, बिजनेस मेल, ये सब दिख रहा है। आपको यहाँ पर डोमेन्स पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर टू डू लिस्ट आ रहा है, वेरीफाई योर डोमेन वाया ईमेल, ये हमने कर दिया है, ये कुछ देर में ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ है। अब हमारी ये जो डोमेन है ये बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पर क्लेम हो चुका है।